हेलो हेलो। सलाम वालेकुम वाले सलाम, कौन बोल रहा है? जी, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ हजरत, खैरियत है? कहाँ से बोल रहे हैं हजरत? जी मैं एमपी से बात कर रहा हूँ। कौन सी जगह से? इंदौर। अच्छा, फरमाओ क्या हुक्म है? जी हजरत, मैं सामान दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हेलो। हाँ फरमाओ। जी मैं ये अर्ज कर रहा था हाँ हजरत। हाँ फरमाओ ना, सुन लो। तारीख चाहिए थी आपकी। तारीख का है माँ जी? जरा भाई अजरबों के लिए तारीख चाहिए कि वैसे ही चाहिए? ये तकरीर के लिए। जरा भाई अजरबों की गर्दान तो नहीं होगी वहाँ पर? जी जरा भाई अजरबों की गर्दान तो नहीं करेंगे लोग बाग हमारे आने के ऊपर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस स्टेशन से परमिशन निकाल लेंगे। कौन से मोहल्ले में आप? जी मेरे खाला का एक देहात है जहाँ पर मेरे खाला भाई रहते हैं, महाराष्ट्र में। नहीं, कहाँ की तारीख की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र की हजरत। कौन से जिले की? वो वाशिम। वाशिम जी जिला है जी। ये किधर आता है? नासिक में, नागपुर, अकोला, भिवंडी? जी ये अकोला साइड में आता है, वहाँ पर एक जयपुर नाम का एक देहात है। जयपुर जी। चलो अब देखेंगे इंशाल्लाह, जब अल्लाह चाहे तो मौका मिलेगा। हैं जी। और इंदौर में कहाँ रहते हो आप? इंदौर में हजरत ये जो बड़ा मार्केट नहीं है, चार खंभों के पास में। नहीं तो महल्ले का नाम तो हो ना जी? बैतपुरा है। बैतपुरा? बैतपुरा हमने तो आया हूँ ना इंदौर। खजराना है, चंदन नगर है, अंबार नगर है, बड़वाली चौकी है, जूना रिसाला है। ये जो रेलवे स्टेशन नहीं है, मेन जंक्शन? हाँ हाँ हाँ, इसके पीछे वाला जो एरिया है बैतपुरा। अच्छा बैतपुरा में हो? जी जी वहाँ पे। चलो अच्छी बात है, अल्लाह मदद फरमाए। जी जी, बर नमाज की पाबंदी रखो जी, और हलाल रोजी खाते रहो जी। क्या काम करते हो? जी मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रीशियन? मई के इंदौर के रहने वाले हो जी? है उनके थोड़े जिला का हाल थोड़ा खराब चल रहा था, तो इसलिए वो बता रहे थे कि कुछ एक मुकर्रीर का इंतजाम कर दो हमें तकरीर के लिए। मैंने उन्हें कहा कि अतर रजा कादरी साहब जो एमपी के हैं, काफी मशहूर, काफी अच्छे, माशाल्लाह शेर एमपी, काटी वहाबियत के नाम से बहुत मशहूर है। जी काते नजदीक, काते वहाबियत, काते देवबंदियत। काते वहाबियत नहीं कहने चाहिए, वहाब अल्लाह का नाम है जी। वहाबियत से मुराद हजरत अब्दुल वहाब नजदीक से लिया हूँ। अब्दुल वहाब भी सुन्नी थे, उनके बेटा गड़बड़ था। बेटा गड़बड़ था, अब्दुल वहाब साहब सुन्नी थे। अच्छा अच्छा। इब्ने अब्दुल वहाब, वो इब्ने अब्दुल वहाब उनका बेटा हजरत अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह सुन्नी थे जी। उनके बेटे ने सब गड़बड़ किया था, मक्कानियां की थी, बहुत बदमाशियां की थी उसने। अच्छा। तो इसलिए अल्लाह का नाम भी है, और फिर उनके बाप तो वैसे भी सुन्नी थे, इसलिए अपन वहाँ भी नहीं कह सकते। वो वहाँ भी ये जो इसके लिए कुछ दलाइल वगैरह है, अगर कोई वहाँ भी हजरत जब हमसे मांगे तो हम क्या बताए उनको? क्या मतलब? मतलब जो देवबंदी हजरत या कोई नजदीक हजरत इसके बारे में दलील मांगे, क्या बताएंगे? अब्दुल वहाब नजदीक सुन्नी थे बोल के। तारीख नजद हिजाज एक किताब आती है जी, किसकी लिखी हुई है? तारीख नजद हिजाज, वो मुझे भी ध्यान नहीं है, बहुत बड़ी किताब है। तारीख नजद हिजाज मशहूर है। अब उनको ऐसा बोलेंगे कि मुझे याद नहीं है, वो तो हजरत हंसेंगे और गालियां अलग से देंगे। फतावा उसमें देख लेना, फतावा रजिया में देख लेना, जिल नंबर हजरत ये सुबहान सुबू में देख लेना। अगर कम से कम 15-16 जिल्द की है, उस कौन सा जिल्द बताऊं मैं? किताब का हवाला भेज दूंगा अगर मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, फिर मैं हवाला घर से जाके भेज दूंगा। 4:15 है कि नहीं? ठीक है। और आप तो जो है कि आप बनाने की कोशिश करो, नमाजी बनाओ जी। मुरीद किसके हो? जी मैं मुरीद अभी तो बैत नहीं हुआ हूँ, बैत हो जाओ ना किसी के हो जाएंगे इंशाल्लाह। फारूक साहब को जानते थे? इंदौर के मौलाना फारूक साहब? नहीं।
वही तो थे वो बड़वाली चौकी से। अच्छा अच्छा नहीं वो इतना कुछ रास्ता नहीं है सर, मैं ज्यादातर महाराष्ट्र में रहता हूँ। अच्छा क्योंकि मेरा एजुकेशन भी वहीं हुआ है मुंबई में कुर्ला में। आपके सब तो मुसलमान सर जो जी, जब तक किसी का कुफर जाहिर ना हो जी तो काफिर कहने का हुक्म नहीं। अच्छा गंदी भी मुसलमान है बरेलवी भी है। नहीं हजरत वो हम जो 73 फिरके वाली हदीस हजरत उससे मुराद लेकर के वो काफिर है और जो उनके अकाइद है जिसके बुनियाद बरेली जो हदीस तो याद करा रखी है मुसलमानों को 73 फिरके होंगे 72 है एक ही याद है बेचारे गरीबों को जी उन्हें और हजारों लाखों हदीसें पता ही नहीं है जी। अरे लाखों हदीसें उनको पता ही नहीं है बेचारों को दादा, एक हदीस में उन्होंने तोते की तरह रटा रखी है काफिर करार दिया ना। अच्छा कोई ने काफिर करार दिया है नहीं दिया वो तो अल्लाह जाने किस नियत से काफिर करार दिया वो जाने, लेकिन नियत देखा जाता है। जैसे मुफ्ती रिजवानुर रहमान साहब थे ना इंदौर में, इनके रिश्तेदार भी देवबंदी थे इकानुर रहमान, इनके सगे भाई थे इकानुर रहमान देवबंदी, और वो बड़वाली चौकी में जामे मस्जिद में उनके यहाँ मेहमान रुके गए जहाँ पर उनका घर था, मेहमान रुके गए खाना माना सब अभी बताओ तो खाना खा के गए मेहमान रुके गए। मुफ्ती रिजवान साहब वहाँ के मुफ्ती मालवा थे, बाद में जब हंगामा हुआ तो खाली तोबा कर ली, तोबा से काम नहीं चलेगा, बरेली फतवे से तो तहजीद ईमान निकाह बेस सब करना पड़ता है कि भाई मुसलमान को समझा, मुसलमान समझने पर तोबा थोड़ी है, खाली तहजीद ईमान निकाह बैद है ये सब नहीं किया उन्होंने, लेकिन खाली तोबा कर ली थी बस। वही रहमान जब इंदौर में आए थे ना वहाँ पर बलवाई चौकी थे उनको क्या करना, बड़े लोग हैं बड़े बातें क्या करना सर, बुत्तानी साहब भी बड़े लोग हैं नानक जी साहब भी बड़े हैं इनके ऊपर के इनके चक्कर में पड़ के क्या करना है। वो मुसलमान है आप भी तो हदीस के मुनकर हो जा रहे हो, फिर आप पे भी फतवा लगेंगे, आप पे भी तजदीद ईमान और तजदीद निगाह कौन कौन से फिरका है यही बता दो जी। 72 इन बरेलियों से पूछो कि 72 फिरकों में क्या तुम लोग नहीं हो, मतलब ये मानते हो कि 72 फिरके में जहन्नमी सबके सब, और में से ये अरब वालों को भी मानते हैं 72 फिरकों में, ये अरब वालों को भी मानते हैं, यहाँ तक के मक्का शरीफ मदीना शरीफ के तमाम लोगों को 72 फिरकों में मान रहे हैं बरेलवी। वो तो अहले हदीस बरेलवी ये मान रहा है कि तमाम मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोग नऊज बिल्ला इस्लाम से खारिज, और ये जो तुम बताए 72 फिरके जहन्नमी उनमें शुमार कर रहे हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ के तमाम लोगों को, यहाँ तक कि वो सैयद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, सैयद फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की औलाद मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, सहाबा किराम की औलाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की औलाद, हजरत उमर फारूक आजम की औलाद, हजरत उस्मान गनी की औलाद, हजरत अली करम अल्लाह करीम अलैहिस्सलाम की औलाद मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। सुनिए ना सबको ये बरेलवी क्या कहता है मुसलमान नहीं इस्लाम देखा जो 72 फिरकों में शुमार करते हैं, वो लफ्ज में नहीं कहना चाह रहा, वो लफ्ज उनके ऊपर बोल देगा अलैहिस्सलाम का बेटा भी मक्का शरीफ के तमाम इमाम बरेली फतवे से मुसलमान नहीं, तमाम इमाम मुसलमान तमाम मुसलमान नहीं, तमाम लोग मुसलमान नहीं, किसी का भी निकाह नहीं हो रहा बरेली फतवे से मक्का शरीफ मदीना, किसी का भी निकाह नहीं हो रहा सामने आया पूरी दुनिया का कोई भी बरेली कोई भी बरेली है दुनिया क्या है, कलीम हनफी हो कलीम हनफा हो सूफा हो शहजादी है बरेलवी हो बरेली की शहजादी, अरे कोई भी हो एक दुनिया का कोई भी आलिम आए जगह मुकर्रर करे साहब का मजार है ख्वाजा गई नाजमई रहमतुल्लाह अलैह के सगे भांजे मैं गया उनके मजार पे माँ आए, या सीहोर में दूल्हा शाह साहब बाबा का मजार है, या कलिया शरीफ में सादिर कलियरी के मजार के सामने बैठे, या अजमेर शरीफ में ख्वाजा ख्वाजगान हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के मजार पे बैठ कर मुनाजा करे कि बताओ 72 फिरकों में तुम्हारे हिसाब से कौन कौन है, मैं साबित करूंगा कि इनके हिसाब से जो मक्का शरीफ मदीना शरीफ के तमाम लोग आ जाते हैं वो 72 फिरकों में, मैं साबित कर दूंगा तमाम लोग, हाँ मक्का शरीफ मदीना शरीफ जितने भी लोग हैं ये 72 फिरकों में शामिल करते हैं उनको, नहीं हजरत ये जहन्नमी मानते अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप तो मुसलमान मानते हो ना मक्का शरीफ मदीना शरीफ के तमाम इमामों को, जो हजरत उस्सामुल अरमैन की तस्दीक ना करता हो वो तो बिल्कुल उस्सामुल अरमैन वगैरह सब ऐसे ही छप छपा के आ गई थी जैसे कहाँ से ऐसी किसी को आप धोखा देकर के फतवा लोगे तो वो तो फतवा वही देगा जो लिखा है उसने मेरे बारे में लिख दिया कि अतरुल काजी चार नमाजें मानता है पांच नहीं मानता, अरब शरीफ से उस्सामुल अरमैन की तरह कि अतरुल काजी काफिर है कि नमाजें पांच फर्ज है ये चार बता रहा काफिर है, अब मैंने कह दिया कि साहब अजान मत दो, अब मैंने इसलिए कहा कि जवाल का टाइम है वह फतवा ले लिया मेरे बारे में अतरुल काजी कह रहा अजान मत पढ़ो,
अवकत के काफिला तलुका है। अगर जब मुझसे पूछा जाएगा कि भाई आपने मना किया तो नहीं कहूँ, हम मना किया था, मैंने किसी को आके ऐसे नमाज मत पढ़ो ऐसे पढ़ो, अरे वो तो नमाज पढ़ने को मना कर दिया। पहाड़ बनाकर बरेली पूरी दुनिया में बात को फैला रहा है, कौम में गुमराहियत पैदा कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ देवबंदी से भी आप मिलो, दुआ सलाम करो, उनसे निकाह जाए थे, उनको कुर्बानी का गोश्त देने जाए थे, उनके उनको हिस्से में रखो, आप सात हिस्से में एक दो चार देवबंदी के रखो, एक अहले हदीस का भी रखो, एक उसमें मौजूदी का भी रखो, शामिल करोगे तो एकता हो जाएगी, कौम में एकता हो जाएगी। कुरान में है इन हादी उम्मतों को मतुम वाहिदा, बेशक तुम एक ही उम्मत हो और तुम कह रहे हो कि 72 सौ के जहन्नम में जाएंगे, एक ही हदीस याद है, अल्लाह तो कह रहा तुम एक ही उम्मत हो, अल्लाह तो कह रहा है तुम एक ही उम्मत हो, उम्मतों को मतुम वाहिदा बदलती उम्मत के दो भाग कर देता है, एक उम्मत इजाबत एक उम्मत दावत, ये जब चाहता है मतलब निकाल लेता है अपनी अपनी तरफ से, मतलब अल्लाह से फरमाते हैं मैं राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मत की जन्नत में न चला जाए। हदीस पाक बुखारी शरीफ में पढ़ो के नहीं पढ़ो पढ़ो आप काफिर के लिए क्या काफिर के लिए क्या हुक्म है हजरत? कुरान में वलसौफ युअती रब का फतरबा, अल्लाह फरमाता है हबीब हम आपको इतना देंगे आप राजी हो जाएंगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं राजी नहीं हूँ जब तक कि मेरा एक एक उम्मत की जन्नत में न चला जाए। शरीफ बुखारी शरीफ की जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जाएगा ये नहीं मानो इसको बरेली बहत्तर की ये बता तो सही, पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह नबर अल्लाह मरकज़हू ने पूरी 72 फिरकों की लिस्ट बता दी है, हुनियतुल तालिबीन पूरी 72 फिरकों की लिस्ट मौजूद है, शिया में 32 फिरके होते हैं, अमामिया और जो है के रबाब से जो जन चाहते उसमें सब नाम लिखे हुए हैं, हाँ मोतदिला कदरिया जबरिया और क्या क्या फिरके होते हैं। सुनो एक मिनट आप मानो मैं बता रहा हूँ आपको, इंदौर में जो सही आलिम है ना कौन है वो आले रसूल हजरत मौलाना सैयद नूरुल हक साहब जो मुफ्ती मालवा हैं इंदौर के, उनसे आप जाकर के पूछो सैयद नूरुल हक साहब आले रसूल हैं, और आले रसूल हजरत मौलाना सैयद साबिर अली साहब जो मुफ्ती वहाँ के मुफ्ती हैं उनसे जाकर पूछो, आले रसूल हजरत मौलाना सैयद उबैदुल्ला खान आजमी साहब जो दुनिया के सबसे बड़े खतीब हैं उनसे बात पूछो, आले रसूल हजरत मौलाना सैयद तौकीर रजा साहब से आप इस बात को पूछो, वो देवबंदी गए थे तौकीर रजा साहब, वो बताएंगे आपको, आपको मैं बताऊं तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। आले रसूल हजरत मौलाना सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब से पूछो, आले रसूल हजरत मौलाना सैयद सिफ्तेन हैदर मियाँ साहब से पूछो जो मारे शरीफ के अंदर मौजूद हैं, अरे इन सब से आप मिलो पूछो और मैं बताऊं आपको, आले रसूल हजरत मौलाना सैयद काली रही अपना कॉल होल्ड है आइंदा ख्याल रखना से बात कर रहे हैं कुर्बानी का गोश्त लेके आओ देवबंदी के घर में जाकर होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए, तो चार से देवबंदी के घर लेके आना ठीक है ना, कॉल ऑन होल्ड, अल्लाह तबाराक व तआला तुमसे खुश हो जाए, सबको मुसलमान समझो, नफरत पे खत्म करो, जानने अपना कॉल दूर करो और अच्छाइयां पैदा करो अपने अंदर, नफरत को बाजार गरम मत करो, समझ गए? हेलो 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 कौन सा आवाज आ रही है हजरत? हेलो हाँ अरे आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है, एक मिनट हजरत, ये हम चाहिए किसी मुल्ला को जल्दी, किसी मुल्ला मौलवी को हम चाहिए, क्या बोल रहे हो? कोई मौलवी मुल्ला नहीं है वहाँ, वो उनके ही फोन आ रहा था, आप सुन ही नहीं रहे, मैं बात करवा रहा था आपकी उनसे, कौन थे हजरत से? क्या नाम था? वो ये नदवा के है, हैं? मेरे दोस्त के मामा हैं। कहाँ के हैं? नदवा के? नदवा के, नदवा के सिर्फ देवबंद वाले पढ़ते हैं जी, वो वहीं के है वो, उनको मानते हो तुम आले रसूल हजरत मौलाना सैयद मुफ्ती जुनेद साहब जो इंदौर के मुफ्ती हैं बहुत बड़े, इसलिए तो हजरत मैं बोल रहा था कि आप बात तो करो, आप तो सुन ही नहीं रहे, आप बुलेट ट्रेन की जैसे चलते रह रहे हो। आले रसूल हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद वो रेहान साहब है ना जो, एक मिनट रुकिए आप बात करिए उनसे, हेलो उनसे आप पूछो, शेर काजी हैं इंदौर के, आप ही पूछ लो ना, आले रसूल हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद कमरुज़्ज़मा आदमी से पूछो, आले रसूल हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद शाकिर नूरी से पूछो, रुको एक मिनट, आले रसूल हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह नबर अल्लाह वजहू मुरादाबाद से पूछो, आले रसूल हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद
क्या कहते हैं उनके नाम, यूनुस साहब जो गुलशन बगदाद रामपुर में पढ़ाते हैं, रतनपुरी, बहुत बड़े आलिम है, उनसे पूछो। मैं आपको इतनी लंबी लिस्ट बता दूंगा कि आप गिनना मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। और जो है कि अभी मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर असल के बाद फोन करना, ठीक है? क्या ख्याल है? ये तोते की तरह से इनसे और भी हदीसे याद है, क्या तुम्हें हदीसे मालूम है? जिसे जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया, हदीस नहीं मालूम इन बरेलवियों को? फिर कहते हैं नहीं कुफर के करीब हो गया। अरे तो एक नमाज छोड़ने में करीब हुआ ना, जो रात दिन पांच टाइम की नमाज छोड़ा वो क्या हुआ, वो क्या हुआ? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ये हदीस बरेलवी को नहीं मालूम? कुरान में फखलफ अन बादम खल्फु अबाउसला, जिन्होंने नमाजें बर्बाद की अपनी नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तिला हुए, अल्लाह फरमाता मैं उनको वादी गई में डालूंगा, फिर जहन्नम के अंदर सबसे नीचे, ये नहीं मालूम इस बरेलवी को? है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना साहबी आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हूँ, क्या मैं घर में नमाज अदा कर सकता हूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई तुम्हें मस्जिद में ला सकता है तो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। ये अनवारुल बयान में भी पढ़ लो, अनवारुल बयान में लिखा हुआ है, और अनवारुल बयान पढ़ो 393 में लिखा हुआ है, फाज़िले बरेलवी अल्लाह के रसूल के रोजे के सामने बैठ गए, बैठे हुए हैं, और बैठे होने की हालत में उनको अल्लाह के रसूल का दीदार भी हो रहा है। बयान 393 वो नात लिखी क्या है, कौन सी नात? वो सूर्य लगातार फिरते हैं, 13 दिन बाहर फिरते हैं, ये नात लिखी, ये नात पढ़ी और अल्लाह के रसूल के रोज़े के सामने अदब से बैठ गए और अल्लाह के रसूल का उनको दीदार हो गया। लो भाई कौन बैठता है, मजा कर, कौन बैठता है? जैसा उनका इश्क रसूल मशहूर कर रखा है उस हिसाब से तो बैठ ही नहीं सकते हैं। ये अनवारुल बयान में पढ़ो, और आला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहा करो, आला हजरत इमाम हसन को अलैहिस्सलाम कहा करो, आला हजरत हजरत अली करम अल करीम को अलैहिस्सलाम कहा करो, आला हजरत हजरत इमाम जैन अलाबदीन को अलैहिस्सलाम कहा करो, आला हजरत इमाम बाकर को अलैहिस्सलाम कहा करो, आला हजरत इमाम जाफर को अलैहिस्सलाम भी कहा करो, समझे? जब आला हजरत पे फजल वली भी तुम लाखों सलाम भेजते हो, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते हो, हजरत अली को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते हो, कई दफा मजारों को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते हो, हजरत इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते हो, इमाम बाकर को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते? जब फाजिल बरेलवी पर तुम लाखों सलाम भेजते हो, फाजिल बरेलवी पर लाखों सलाम, इतनी किताबें लिखी फाजिल बरेलवी पर लाखों सलाम, दौलतुल मक्कीया 7.5 घंटे में लिख दी फाजिल बरेलवी पर लाखों सलाम, फतह बरेलवी 8 घंटे में लिख डाला कि नहीं लिख डाला, फाजिल बरेलवी पर लाखों सलाम, लोग और फारसी है कौन कौन से इल्म थे उन पर लाखों सलाम, क्या ड्रामा तुम लोगों ने बना रखा है? कभी आज तक इंदौर में जलसा इमाम बाकर के नाम का हुआ? इंदौर में जलसा कभी इमाम जाफर के नाम का हुआ? इंदौर में जलसा सिद्दीक अकबर के नाम का हुआ? कभी फारूक आजम के नाम का हुआ? कभी उस्मान गनी के नाम का बड़ा जलसा हुआ जिसमें 10,000 आदमी जमा हुआ पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में आज तक 10,000 तो क्या 2,000 आदमी इमाम बाकर के नाम पर जमा नहीं हुआ, सिद्दीक अकबर के नाम पर जमा नहीं हुआ, फारूक आजम के नाम पर जमा नहीं हुआ, उस्मान गनी के नाम पर जमा नहीं हुआ, हजरत अली करम लाजो करीम अलैहिस्सलाम के नाम पर जमा नहीं हुआ, फाजिल बरेलवी के नाम पर 1,000 जलसे हो गए, हजर इमिया के नाम के 1,000 जलसे हुआ, उनको हुजूर कहते हैं, बरेली वालों को हुजूर कहते हैं, बरेली कहते हैं हुजूर, हजर इमिया हुजूर, मुफ्ती आलम हिंद और आदम अलैहिस्सलाम को हजरत कहते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत, क्या ड्रामा है बरेलवियों में है कि हुजूर मुफ्ती आलम हिंद, हुजूर अदर मियाँ, हुजूर अजद मियाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम मियाँ, अरे जितने हैं वहाँ पर सबको तुम लोग हुजूर कहते हो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिन कुल्लम में तोले, हुजूर का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल के लिए बोला जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बरेली आला हजरत अबू बकर को नहीं कहता, आला हजरत हजरत उमर फारूक को नहीं कहता, आला हजरत उस्मान गनी को नहीं कहता, बरेली हुजूर जिसको चाहता है कहता है, लेकिन आला हजरत किसी को नहीं कहता, ताजुल शरिया किसी को नहीं कहता, अज़रीमिया के अलावा, आला हजरत अहमद रज़ा खान साहब के अलावा किसी को नहीं कहता, हुजूर जिसको चाहता है कहता। अजब ड्रामा है बरेलवियत का, और ये बरेलवियत का ये फतवा है कि 72 रुपए का जहन्नम, जैसे बरेलवी कहता है वो हदीस पाक है, 72 रुपए के जहन्नम में जाएंगे, नऊज़ बिल्लाह, उनमें सारे अरब वालों को शुमार करता है, मक्का शरीफ मदीना शरीफ के जो सहाबा किराम की औलाद है, जो सैयद है उनको शुमार करता है, पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोगों को इस्लाम से खारिज मानता है, पूरे इमामों को खारिज मानता है, पूरी हुकूमत को खारिज मानता है, पूरे मुअज्जिनों को खारिज मानता है, जितने सैयद है सबको इस्लाम से खारिज मानता है, जितने सहाबा की औलाद सबको इस्लाम से बरेलवी खारिज मानता है, कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ में कोई मुसलमान ही नहीं।